पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आज एक पुराने नेता, सीनियर नेता और फॉर्मर एमएलसी और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज पी एस पंचार रजौरी पुंछ सीट से जो फॉर्मर एमएलसी एमआर कुरैशी साहब हैं, उनके द्वारा जो है आज रिज़ाइन दे दिया गया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं एमआर कुरैशी साहब। सर, क्या कुछ वजूहत रही, इतने पुराने कदावर नेता, इतनी प्राइम पोस्टों पे आप रहे, फिर भी आज आपने अचानक से ऐसा फैसला उठाया कि आपको पीडीपी से जो है रिज़ाइन देना पड़ा? देखिए जी, मैंने ये सोच समझ कर बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मुझे ये फैसला लेना पड़ा। फैसला इसलिए लेना पड़ा कि जिस लीडरशिप की क्यादत में हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की थी वो थे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जी। उनकी वफात के बाद पार्टी डीरेल हो गई बहुत सारे मामलात में। अब हर एक लीडर घुटन महसूस करता रहा। अब की बार हमने बातें करने की कोशिश भी की, कुछ लोग ऐसे पार्टी के अंदर आ गए जिनके अपने अजायम हैं, मकासद हैं, और वो देर से पता चलेगा पार्टी लीडरशिप को आज की को। जो लोग मेरे जैसे मुश्किल वक्त में एक राख की तरह खड़े रहे, जब हालात ख़राब हुए लोग भागे इधर उधर, कोई इधर गया कोई उधर गया, हम पार्टी के साथ रहे। मैं पिछले 14-15 साल से पार्टी के साथ हूँ और हमने अपनी वसात के मुताबिक काम किया। मैं पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का मेंबर भी हूँ, मैं इंचार्ज, अभी इलेक्शन का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ उसका इंचार्ज था पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रीजन रजौरी पुंछ का। मैं यहाँ वकालत कर रहा हूँ पिछले 30-35 साल से, मेरी भी अच्छी रिपोर्टेशन थी, बहुत अच्छी रिपोर्टेशन थी। मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों की साजिशें हैं, वो कम्युनिटी वाइज करके मोहतरमा महबूबा मुफ्ती के दाएं बाएं आ गए हैं और वो फैसले लेते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। तो मैं नाम लिए बगैर ही बात करूँगा कि कुछ इस तरह के हालात बन गए हैं कि जिस तरह पार्टी जो है किसी चंद आदमी या चंद एक आदमी के कब्जे में आ गई है। कभी एक दिन एक फैसला, दूसरे दिन दूसरा फैसला, कभी एक को लड़ाना, कभी दूसरे को लड़ाना। अब पहले एक को क्या देना, उसको वायरल कराना कि भई आपको मंडेट है, वो काम करते हैं, तो फिर उसके बाद उससे हटा के दूसरे को देना। मैंने बहुत साफ साफ लफ्जों में कहा है कि ये मामला ठीक नहीं हो रहे। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी दोनों कम्युनिटीज़ के लिए गुजारिश है, पहाड़ी और ज़्यादातर पहाड़ियों के लिए और गुजरों के लिए भी है कि भाग तेरे दी राखी कर सारी उम्र लगाई, जदों फल लगन नू आया लै गए होर व्यापारी। आज जिन लोगों ने मुश्किल दौर में काम किया, जब कोई आदमी इस रीजन में साथ नहीं खड़ा हो रहा था पीडीपी के और बीजेपी का बहुत बड़ा एहसान भी था, हमने कोशिश की, खासकर मैं इंचार्ज था, मुझे गालियां दी गई, बात क्या क्या नहीं की गई, हमने परवाह नहीं की, अपनी जेब से खर्चा करके हमने काम किया और यहाँ से अच्छा वोट मिला। नाराजगी भी हुई कम्युनिटी के अंदर भी, नाराजगी हुई, बहुत सारे लोगों ने कहा, हमने एक रीज़न दिया उसके लिए कि जो रीज़न था भी, तो वो रीज़न मुझे भी लगा कि भाई जब बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है तो हम किस तरह प्राक्सी को जाएं, तो हमें लगा कि लीडरशिप जानी चाहिए, बात करें। लेकिन जो ही इलेक्शन ख़त्म हुआ तो पार्टी के अफेयर्स में फिर वही हालात बन गए। देखिए, जिस तरीके से रजौरी पुंछ में मंडेट दिए गए वो यकतरफा हैं, मैं एज इंचार्ज था, कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई बात पूछी नहीं जाती, जब बात कहो तो बात सुनी नहीं जाती। तो मैं ये लगा कि मेरा इस पार्टी में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के बाद रहना, और मैं समझता हूँ कि पार्टी में जब देखिए इज्जत नफ्स ना हो, इज्जत ना हो तो क्या फ़ायदा। मेरा ये नहीं था कोई को, मैं बहुत बड़ा क्लेमेंट था कि भाई मुझे मंडेट दे, तो मुझे इन हालात में पता था कि जब मेरी कंसेंसी मैंडर पड़ती है तो वहां लड़ाई खुद लगा दी पार्टी हाईकमांड ने। मैंने कहा पार्टी हाईकमांड को बैठकर मुंह पर कहा, जब बाकी लीडर भी मेंडर के बुलाए गए, मैंने कहा आप खुद लड़ाई लगवा रहे हो, आप सीधा क्यों नहीं कहते पहले पहले। और वहां भी एक आदमी का हाथ है, वो कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। तो देखिये, पहले एक को कहा गया, फिर बढ़ाया, फिर वो चेंज किया गया, अब वहां लड़ाई लग गई। अब मैं समझता हूँ कि इन हालात में निशहरा वो सरदार जी थे, उसने मुश्किल दौर में काम किया, अंजुम मिर्ज़ा ने मुश्किल दौर में काम किया, ताजीम दार ने मुश्किल दौर में काम किया, सब के सब लोग साइड लाइन हो गए। अब वो लोग आगे आ गए जिन्होंने तिनका पर काम नहीं किया था।
और उन लोगों को चंद एक अशखास के इमा पर यहाँ वोट दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ यही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हम कहते थे किसी एक लीडर के लिए, तो वही बात यहाँ भी बनती नजर आ रही है मुझे। तो देखो पार्टियाँ ग्रो करती रहती हैं, इंसान आते जाते रहते हैं पार्टियाँ। मेरी गुड विशेज हैं पीडीपी को, जब तक मैं पार्टी में था मैंने अच्छा काम किया और अब मैं समझता हूँ कि मेरा रोल अब कोई बनता नहीं। पार्टी अपने उस बेसिक जो उसका पॉलिसी थी, बेसिक उनकी जो मैनिफेस्टो था, जो रोल था प्रो पीपल, उससे हट गई है पार्टी का। मुझे नहीं लगता कि अब ग्रास रूट में कोई बात बनती है। जिस वक्त पार्टी को जरूरत थी उस वक्त हम खड़े रहे, जब पार्टी को आज बड़ा तो आपने एकतरफी फैसले करने शुरू कर दिए और खासकर उन लोगों से कहता है जो आपके मुखालफ आपको छोड़ के चले गए थे। अब मैं समझता हूं कि इन हालात में हमें बनता है कि सियासत कोई हमारा रोजी रोटी नहीं, हम अबादत के लिए सियासत में जाते थे लोगों के काम करने के लिए। मैं तो अच्छा खासा वकील या काम करता हूँ, सब जानते हैं मुझे अच्छी अपना है, तो मैं काम भी मेरा, मैं अगर पैसे की खातर या उस तरह से जाऊँ जैसे बाकी लोग जाते हैं तजारत करना, मैं नहीं, मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं काम करूँ। लेकिन पार्टी ने ना समझा ना सोचा, रजौरी पुंछ की आवाम को भेड़ बकरी की तरह देखा जाता है, दोनों कम्युनिटीज में लड़ाया जाता है, फिर कंस्टिट्यूंसी में भी लड़ाया जाता है। चलिए ये बातें यह है, जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो रजौरी पुंछ के भी यारों मददगार लोग हैं, अगर एमएलए बन भी जाए तो क्या कर लेंगे, अब यहाँ हमारी घुटन महसूस होती है जब कोई बात ना करे। तो मेरे जैसा पढ़ा लिखा अपना जैसा एडवोकेट महसूस करता है कि घुटन है जब यहाँ पैसे का बल्ब होता है, जब पैसे वाले का बल्ब होता है, तो आम आदमी के लिए कोई गुंजाइश नहीं बनती। मैं तो वकील हूँ, हम तो इस बात के बिल्कुल हक में नहीं होते कि यहाँ मनी पावर मसल पावर ही चले। लोगों को चाहिए कि मुल्क के अंदर जम्मू एंड कश्मीर मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसमें ऐसे हालात पैदा किए जाने चाहिए जो लोग दुहाई देते थे 370 को वापस लाएंगे 3500 को वापस लाएंगे, अब उनकी हालत क्या है, दोनों वापस अपनी सीट में हार गए। मैं बराबर का शरीक मानता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, बराबर का इसी में मुजरम मानता हूँ दोनों को, पीडीपी को भी। इन्होंने खुद ब खुद जाके सुप्रीम कोर्ट में मोर लगा के ले आए। तो मैं ये मानता हूँ कि अब ये मेरा कोई रोल नहीं है इस वक्त बनता कि मैं ये कहूँ मैं किस पार्टी की तारीफ करूँ। मैं मैंडेट जो मेंडर में दिया गया उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, इसलिए कि वो मेरा भाई है, मैं उसके खिलाफ भी नहीं बोलना चाहता। मैं एज इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी मर्जी से काम करूंगा, किसकी सपोर्ट मैंने करनी है किसकी नहीं करनी है, और जो रिपोर्ट्स में मैं अपनी मर्जी से कैंडिडेट को सपोर्ट करूंगा। इसलिए मैंने आज अपनी रिजर्वेशन भेज दिया, मैंने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी से भी रिजाइन दिया है, मैंने एज इंचार्ज जो तो पीर पंचाल इसका था उससे भी रिजाइन दिया है, मैंने बेसिक मेम्बरशिप से रिजाइन दे के मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को भेज दिया है, वो इसको कबूल करें तो बेहतर है, नहीं तो मैंने आज रिजाइन कर दिया। मेरे हिसाब से बेसिक मैंने मेंबरशिप से अब मैंने अपना भेज दिया है, लेटर टेंडर मैंने करके भेज दिया, या आप पार्टी लीडरशिप तक का वो क्या फैसला लेते हैं। कुरेशी साहब ये जो नाराजगी थी ये अचानक से मतलब आपने सामने लाई आज, या इससे पहले आपने मैडम की नॉलेज में ये चीज़ डाली थी कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ या हमारी जो आवाम है उनके साथ कुछ इस तरह का हुआ, कोई नए चेहरे जो परसों ज्वाइन करते हैं और आज उनको मैंडेट मिल जाता है, इस तरह की वारदात हुई या आपसे पूछा नहीं गया, आपने अपनी बात रखी, रिजाइन करने से पहले भी आपने कोई नोटिस वगैरह या कुछ इस तरह का बात हुई आपकी? बिल्कुल लाई, देखिए जो यहाँ के अफेयर्स के लोग थे उनसे भी ली, जो कश्मीर में अफेयर्स में थे उनके लिए, वो खुद बहुत मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की नोटिस में भी लाया। मैं कई इंडिविजुअल अकेले में भी मिलके बातें की, ये भी कहा कि ऑल इज नॉट गोइंग वेल, एक लेटर मैंने इससे पहले भी लिखा था कि ऑल इज नॉट गोइंग वेल इन द इंटरनल मैटर्स में। अब देखिए ना, एक कम्युनिटी पूरी की पूरी पीडीपी ने साइडलाइन कर दी, जो मुश्किल दौर में साथ खड़े रहे उनको साइडलाइन कर दिया गया। हम नहीं कहते कि किसी के खिलाफ है, पता है सबको, नाम मैं नहीं कहता किसी का नाम, एक कम्युनिटी को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। अब मेरा ये नहीं कहना कि मैं पहाड़ी गलिया या किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ है, ये नहीं मैं कहता। मेरा कहना यह है कि जो लोग मुश्किल दौर में साथ चले थे, कौन सी अब आपको ये आफत आ पड़ी जिसको आपने बदला है वो आपको विनेबिलिटी दे रहा है। रजौरी पुंछ की विनेबिलिटी मैं समझता हूँ कोई किसी कैंडिडेट की मुझे बनती हुई नजर नहीं आती, अल्लाह ही हाफिज़ है। पुराने लोगों को भी इग्नोर किया, बल्कि यंग थे उनको भी इग्नोर किया, वो अच्छे लोगों ने काम किया था इस पार्लियामेंट में। मैं कहता हूँ कि लीडरशिप को लीडर बनाने के लिए लीडर को ग्रो करना पड़ता है, एक पौधे को लगाने के लिए
मैं तालब चौधरी के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, वो कुछ अतावली बातें करता है, मैंने उसके हक में, मेरे लिए ये है कि मैंने अपने आप को सोच समझ के अपनी बुर्दबारी से मैंने आगे पीछे देख कर मैंने ये फैसला लिया है, अवाम में पुंछ जोरी की खातिर में लिया है, मैंने अपने भाइयों साथियों को सोच समझ के उनके साथ नाइंसाफी हुई, वो कोई उठे या ना उठे, वो इस बात को रेज करें या ना करें, लेकिन मेरा फर्ज बनता था एज ए पोलिटिकल वर्कर, मैं इस बात को नहीं पसंद किया, मैंने ये लाई थी कि हम साइड लाइन हो रहे हैं, धकेले जा रहे हैं और आपने हमें धकेल दिया, इसलिए हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऑफर वगैरह नहीं, मैं किसी पार्टी में, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी दूसरी किसी जमात से कोई ऑफर नहीं, ना मैंने इसलिए, मैंने अचानक आज ही रात को लिया, एक घंटे के अंदर अंदर मैंने फैसला, किसी से कंसल्टेशन कोई मैंने अपने वर्कर से, लीडरों से, रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से भी नहीं लिया, मैं डिसीजन करने का खुद सक्षम हूँ, और मैंने सोचा कि आगे पीछे सारा कुछ देख के जब मैं इस हेलम अफेयर में पहुंचूं जो मेरा साथी पहुंचने के लिए देखेगा, मैं पॉलिटिकल अफेयर प्लस इंटरनल, जब मैं इंटरनल सारी बात देख चुका हूं, तो यहां मुझे लगा कि मेरा अब यहां रोल कोई बनता नहीं, ना मेरे लोगों का बनता है, ना मेरे जो साथियों का बनता है, देखिए सारी की सारी कंसेंसियाँ बर्बाद कर दी इसी हालात से, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे फैसले हुए। तो पीडीपी को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगते हुए एक पुराने सीनियर नेता एडवोकेट अमर कुरैशी साहब, जो अलग अलग विभिन्न जो प्राइम पोस्टें होती हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में, उन पे रहे और आज इनके द्वारा जो है रेजिग्नेशन जो है वो दिया गया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका पीडीपी को लगते हुए, आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ एयर इंडिया।